बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजे ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बेसिकली मुझे जो है पीआर पैकेज रिसीव हुआ है एसएस राइस मिल की तरफ से, यूसुफ राइस है ये वाले, और पाकिस्तान का लंबा तरीन चावल होने का ये लोग दावा करते हैं। आज हम अपने किचन में ये कुक करने वाले हैं। अगर आपने कभी बीच लग्जरी, अवारी टावर, मूव एंड पिक या यूनाइटेड किंग से कभी भी चावल ऑर्डर किए हैं, इट्स मीन आपने यही वाले राइस जो हैं वो कंज्यूम किए हैं। तो आज हम अपने किचन में जो है वो 5 स्टार होटल्स वाले चावल ट्राई करने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले ये वाले राइस होते हैं, और इसके ऊपर जो जो तरीका मेंशन है मैं इसको बिल्कुल इसको फॉलो करूँगी ताकि मुझे वही रिजल्ट मिले। पाकिस्तान का लंबा तरीन चावल हम लोग कुक करने वाले हैं, एक्सट्रीम स्टीम ट्रिपल एक्सल बासमती राइस। इनकी वीडियो जो है मैंने इनके आउटलेट पर विजिट किया था, और यहाँ की तमाम राइस मैंने आप सबके साथ शेयर करते थे। क्वालिटी चेक करना आप इनकी, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, साफ़ सुथरा राइस है। इसके अलावा राइस की पहचान जो होती है वो उसकी कलर से होती है। मैं आपको उसका कलर चेक करवाती हूँ। देखिए, पुराना राइस है, बहुत ही ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा। इस किस्म की राइस आपको जो है वो इस कीमत पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। अभी मैं इसको कुक करने वाली हूँ, जो जो प्रोसीजर्स पर लिखा हुआ है वो सब फॉलो करने वाली हूँ। और एक बहुत ज़बरदस्त बात, ये लोग जो है वो फ्री डिलीवरी करते हैं, यानी पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप लोग जो है घर बैठे फ्री मंगा सकते हैं। इस टाइप के ऑफर आपको पाकिस्तान में कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रांड नहीं देती। तो मैं जो हूँ वो एक प्याली कुक करूँगी, क्योंकि इसकी बैक साइड पर मैंशन है कि आप एक प्याली बनाएंगे तो 5 प्याली बन जाएगी। तो हम इसको चेक करने वाले हैं, प्लस इनकी क्वालिटी चेक करने वाले हैं। क्वालिटी तो इनकी जो है वो चावल देख के ही पता चल जाती है। देखिए, साफ़ सुथरा राइस है। एक प्याली जो है मैंने ले लिया है, अब मैं इसको जो हूँ वो सोक करूँगी। इसके ऊपर जो है टाइमिंग लिखी हुई है 1/2 घंटा, यानी कि मुझे जो है वो पानी में 1/2 घंटा वॉश करने के बाद इसको सोक करना है। तो हम इसको जो है पहले वॉश कर लेंगे अच्छा सा, और उसके बाद जो है वो इसको 1/2 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो राइस को जो है मैंने भिगो दिया है, मैं आपको टाइम भी चेक करवा देती हूँ। अभी जो है वो 2:45 हो रहा है, हमें जो है वो इसको 3:15 बजे तक सोक करना है, भिगोना है। तो टाइम जो है वो हो चुका है, और राइस जो है जो पानी था वो मैंने सारा फेंक दिया है। अब मैं जो हूँ वो बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड करा है। जो जो इन्होंने तरीका लिखा हुआ है मैं एज अ टीज फॉलो करूँगी, ताकि मेरे राइस जो है वो वही क्वालिटी वाला दें जो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इनका दावा है पाकिस्तान का लंबा तरीन चावल। तो मैंने इसमें कोई भी जो है वो घी ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करा। अब मैं जो हूँ वो इसको डाल चुकी हूँ, और आप चेक करें इसको पकाते हुए अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, और इसका जो है वो लेंथ आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त राइस जो है वो बन गया है। अब पूरे 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसको ड्रेन कर लिया है, पानी फेंक दिया है, और ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी जो है वो चावलों की निकल कर आ गई है। पाकिस्तान का लंबा तरीन चावल अभी मैं आपको चेकआउट करवाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, येलो वाला जो है वो बिफोर है, यानी कि पहले पकाने से पहले वाला चावल है, और बाकी तमाम राइस जो है ये पकने के बाद हैं। साइज़ चेक करें, ट्रिपल एक्सल इस पर लिखा हुआ है, और 100% ये ट्रिपल एक्सल ही बने हैं। ये देखें, बिफोर एंड आफ्टर। येलो वाला जो है वो पुराना राइस मैंने आपको बताया था, और ये वाइट वाला जो है ये पकने के बाद है, ट्रिपल एक्स हो चुका है। यानी एक प्याली मैंने भिगोई थी और इससे 5 प्यालियाँ बन चुकी हैं, इतना बड़ा बाउल है वाला। अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ऑलमोस्ट ये 5 मेरी प्यालियाँ ही बनेंगी। तो जो इस पर बात लिखी हुई थी वो जो है वो 100% प्रूफ हो चुकी है। लंबा तरीन चावल मैं आपको इस बार पाकिस्तान का दिखा रही हूँ, कुक कर चुकी हूँ मैं वाला, इतना ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी। इसके अलावा आप जो है वो इसकी थिननेस चेक करें, कितना थिन है ये, फाइन है। बेस्ट क्वालिटी चावल की जो होती है वो उसकी थिननेस पर डिपेंड करती है, कितना बारीक चावल है। बारीक चावल जो होता है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। ये तमाम चावल जो है वो बारीक है। एक और ज़बरदस्त बात बताती हूँ, मैंने जो है लेफ्ट ओवर चावल फ्रिज में रख दिए थे, दूसरे दिन जब मैंने निकाले तो मैं खुद हैरान हो गई, कोई भी चावल जो है वो चिपका नहीं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक एक दाना जो है वो दूसरे दिन भी खिला खिला था, जबकि दूसरे दिन ऐसा होता नहीं है। कितनी अच्छी आप क्वालिटी ले लें, सब चिपक जाते हैं। तो ये दूसरे दिन के चावल दिखा रही हूँ मैं आपको, बगैर गर्म किए, बगैर ओवन में रखे हुए इसको। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अगर आप लोगों ने इनकी फुल वैरायटी को देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनकी फुल वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इनके राइस के प्राइसेस जानने हैं, सब कुछ डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।